अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर अधिवक्ता संघ दुर्ग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधीश सम्मिलित हुए। इस अवसर पर न्यायमूर्ति के हाथों महिलाओं का सम्मान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर अधिवक्ता संघ द्वारा न्यायालय परिसर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में विशेष रूप से माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर गुरुवार की शाम सम्मिलित हुए। इस दौरान कार्यक्रम में माननीय न्यायमूर्ति के साथ विशेष रूप से सुधीर कुमार रजिस्ट्रार जनरल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर MVL सुब्रमण्यम माननीय मुख्य न्यायाधीश के संयुक्त रजिस्ट्रार सह प्रधान निजी सचिव रविन्द्र सिंह नेगी सहायक रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर तथा नीता यादव जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी कलेक्टर दुर्ग जितेन शुक्ला पुलिस अधीक्षक दुर्ग जिला न्यायालय कुटुम्ब न्यायालय श्रम न्यायालय दुर्ग के समस्त न्यायिक अधिकारीगण अधिवक्ता संघ दुर्ग की ओर से अध्यक्ष नीता जैन और तथा समस्त सम्मान्य अधिवक्ता गण उपस्थित हुए। आइए पदाधिकारी भी आ सकते हैं, आ जाइए सभी लोग, आ जाइए सभी। आइए सभी लोग, तालियां बजनी चाहिए सर के, चीफ जस्टिस साहब के सम्मान के लिए। जिला अधिवक्ता संघ की ओर से हमारे संघ के अध्यक्ष सभी लोग आ जाइए, सब लोग एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए सभी महिला अतिथियों के लिए। इसके बाद हमारे बीच में ये सम्मान हो रहा है, तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज थोड़ा तेज होनी चाहिए। लगातार कोर्ट आते हैं सर सभी लोग। इस अवसर पर माननीय श्री न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा मुख्य न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि जितनी भी महिला अधिवक्ता हैं उनको महिला दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही उन्हें दुर्ग जिले के सामान्य प्रशासन न्याय व्यवस्था व अधिवक्ताओं की बागडोर महिला अधिकारियों के हाथों में होने का जिक्र किया, जिसके अंतर्गत जिले की न्याय व्यवस्था की बागडोर नीता यादव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी ऋचा प्रकाश चौधरी जिला कलेक्टर दुर्ग व अधिवक्ता संघ की बागडोर नीता जैन अध्यक्ष अधिवक्ता संघ के हाथों में होने पर प्रकाश डाला। साथ ही कहा कि महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में है, चाहे वह न्यायपालिका हो, सामान्य प्रशासन विभाग हो, राजनीति में हो, चाहे वह आंतरिक में हो, हर क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। महिलाओं को उनके त्याग भावना के कारण पुरुषों से अधिक महत्व दिया गया। महिलाएं जो अपने परिवार को देखती हैं, साथ ही कार्य क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य भी करती हैं, यह बहुत ही सराहनीय है। महिला अधिवक्ताओं की भूमिका को अत्यंत ही चुनौतीपूर्ण बताते हुए उनके न्याय व्यवस्था के प्रति समर्पण की प्रशंसा किए। महिला दिवस को उल्लास के साथ मनाने के पीछे महिलाओं की भागीदारी पर प्रकाश डालते हुए माननीय न्यायमूर्ति ने लैंगिक समानता के महत्व को उजागर किया। महिला दिवस है, आपको आना पड़ेगा, तो आई जस्ट गिव अ थॉट, मेरे जहन में बात आई कि उन्होंने कुछ बात ऐसी कही जिसके लिए मैंने कंसेंट दे दिया कि अच्छा मैं आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये था कि प्रेसिडेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन is Madam Nita Jain, therefore then the district judge is Nita Yadav and the district magistrate Madam Chaudhary. Then I said that we should have looked for some female chief justice, but that person aapko hi jaana tha. So one of my colleague of mine who is just next to me, she is Sunita Bhavai, she is chief justice of Gujarat High Court, she is from my batch only. And but as जो ईश्वर को मजबूर है मैं यहाँ हूँ और इसलिए मैं आज आप लोग के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ, क्योंकि मैं लिख के तो ये आया हूँ टेस्ट से, बट मैंने जो यहाँ पर एक एटमोसफियर जो स्पेशली देखिए आप अधिवक्ता महिलाएं हैं,
आपके एक और चैलेंजिंग टास्क है। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रहते हैं तो बाय वर्च्यू ऑफ योर एक्सपीरियंस योर सीनियोरिटी यू गो अप, बट सो फार एज द लॉयर्स आर कंसर्न स्पेशली द लेडी एडवोकेट्स देयर लेबर देयर डिवोशन टू दिस प्रोफेशन विच gives you a position in the judiciary, in the legal fraternity, in the district judgeship where you represent the litigants and see your president. This is the second time she has been elected, being the president of the District Bar Association. You have to take inspiration from her. And so far as the district judge is concerned, she is from the judiciary. She is already the topmost post of the judgeship. Similarly, the district magistrate, bureaucracy man, she is the topmost, she is heading the state. And above and all, you see the Honorable President of India, who is the first citizen of India. She is the lead, guiding spirit behind everything. Therefore, ACN News के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।